नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र है और आज हम बात करेंगे अपने नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। ये 27 नक्षत्रों में इसका 11वां स्थान है। अब जैसे इसका नाम है पूर्व फाल्गुनी, तो आप इसी से भी इसका अनुमान लगा सकते हैं ये नक्षत्र कैसे होगा, यानी पूर्व यानी कि पास्ट। हमारे पिछले जन्मों का जो कर्म हमने किए थे, शुभ कर्म किए थे, उसका जो फल भोगने के लिए यानी उसका सुख उठाने के लिए हमारा जन्म इस नक्षत्र में हुआ था या हुआ है। और जो पूर्व फाल्गुनी है सिंह राशि में आता है और मघा नक्षत्र भी सिंह राशि में आता है। अब मघा नक्षत्र में आपने देखा होगा ये 10वां नक्षत्र है कि इसमें जातक सब चीज़ें यानी उपलब्धियां हासिल कर रहा है, सब चीज़ें पैदा कर रहा है और यानी कि बहुत सी चीज़ें, और उस चीज़ को भोगने के लिए हमारा जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होता है। दूसरा, इस नक्षत्र में विवाह आदि को बड़ा शुभ माना गया है और जैसे शंकर भगवान जी का विवाह भी इसी नक्षत्र में हुआ था और चंद्रमा का रोहिणी से विवाह भी इसी नक्षत्र में हुआ था और देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति देव, उनका नक्षत्र भी उनका जन्म भी सॉरी उनका जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। तो आप लगा सकते हैं अनुमान ये कितना शुभ और सुख देने वाला नक्षत्र है। अब इसका जो राशि क्षेत्र है वो कितना है, वह है आपका 13 डिग्री से लेकर 20 मिनट तक और 26 डिग्री से लेकर 40 मिनट तक इसका क्षेत्र है, क्षेत्र बताया गया है। अगर चंद्रमा गोचर वक्ष इस डिग्री में हो तो जातक का जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होता है। अब जिसके चरण हैं, इसके चरण भी चार हैं, वो इस प्रकार है मो टा टी टू। इसके जो चारों चरण हैं वो सिंह राशि में ही आते हैं। अब बात करते हैं इस नक्षत्र का स्वामी कौन है। इस नक्षत्र का स्वामी है शुक्र देवता। शुक्र जुड़े गए हैं भौतिक चीज़ों से, संसार की जो चीज़ें बनाई गई है, जो दिखती है, जिसे छू सकते हैं, ले सकते हैं, खा सकते हैं, तो सब चीज़ें शुक्र भोगता है और भुगवा मतलब सुख का कारण है। तो ऐसा जातक हर चीज़ को भोगेगा, तो शुक्र इस चीज़ का से जुड़ा हुआ है। और इस नक्षत्र के देवता कौन है, जो माता अदिति के 12 वसु हुए थे, जो छठा पुत्र था भग, वह इस नक्षत्र का देवता है। इसके अंदर भी भोग करना, प्रेम करना, सुख लेना, हर चीज़ का इस्तेमाल करना, तो ऐसे इसके गुण थे। ऐसे ही गुण इस नक्षत्र में जन्म जातकों में आप देख सकते हैं। हाँ, मैंने हमेशा एक बात बोली है, किसी नक्षत्र को अगर समझना हो तो नक्षत्र की जो चिन्ह आकृतियाँ होती है, अगर आप इसको बड़े गौर से देखोगे तो आपको पूरा नक्षत्र समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके आकृतियाँ यानी चिन्ह। जिसका आकृति है वो बताई गई है पलंग की तरह, जो पलंग के दो पाए होते हैं ना आगे के, उससे इसकी आकृति जोड़ा गया है। और दूसरा है कि जैसे पेड़ है, दो पेड़ होते हैं उसमें जो झूला लटका देते हैं, वो भी इसकी आकृति यानी कि चिन्ह बताया गया है। अब दोनों चिन्ह किस चीज़ को प्रतीक करते हैं, यानी कि हम पलंग पे कब आते हैं, जब हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, तो हम आराम करने पलंग पे आते हैं, सोचने, इंजॉय करने, भोग करते हैं, सोते हैं, मज़े लेते हैं, हम सब पलंग पे तो करते हैं। ये हमारी आराम करने की मुद्रा है, यानी कि इंजॉय करने की, लाइफ को मज़े लेने की जो मुद्रा होती है, इस पलंग से आप अनुमान लगा सकते हैं, भोग विलास तक का अनुमान आप जोड़ सकते हैं। अब जो इसका गुण है वो रजोगुण है। अब रजोगुण से कैसा अनुमान लगा सकते हैं, जो रजोगुण क्या होता है कि सत्य का ज्ञान ऐसे व्यक्ति में होता है लेकिन वो ज़्यादा भौतिक चीज़ों के बारे में सोचता है, जैसे स्त्री होगी, गाड़ी, पलंग, बिस्तरा, मकान, जमीन, दौलत, खाना पीना, कपड़े, जो भी चीज़ें हमारी भोगने के लिए बताई गई है वो सब रजोगुणों से जोड़ी गई है। और रजोगुणों का जो व्यक्ति होगा वो भी इन चीज़ों के बारे में सोचेगा और उसको भोग करने की हमेशा इच्छा रखता है। और जो इसका गण है वो मनुष्य गण है। अब मनुष्य गण क्या है, देवताओं के गुण भी होंगे और राक्षस के गुण भी होंगे, यानी ये बैलेंस करके चलता है। मनुष्यता में सबसे बड़ी बात होती है उसमें दया होती है, वो दूसरों की परवाह करता है, सपने देखता है और प्रेम करता है। और दूसरी बात होती है, शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति आपका ज्ञानी होगा, लक्ष्य का भेदी होगा, धनुष को यानी शस्त्रों का ज्ञाता होगा। मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, मेहनती होगा, अपने काम के प्रति पूरा उत्साह रखेगा,
दूसरा क्या बोलते हैं, हर विद्या को जानने और सीखने वाला होगा, और दूसरा है कि ग्रामवासी को साथ लेकर चलने वाला, यानी कि सबको साथ लेके चलने वाला होगा। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि इस नक्षत्र के जातक किस प्रकार के होते हैं। दूसरा है इसका वर्ण, वर्ण बताया गया है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण से क्या समझते हैं, ब्राह्मण मतलब बताया गया है ब्रह्मा यानी ब्रह्मांड, इस लोक और परलोक का ज्ञान रखने वाला, बड़ा बुद्धिमान, यानी कि जो ये जातक होंगे ये हर विद्या को जानने वाले होंगे, जल्दी सीखने वाले भी होंगे। अब देखिए जो शुक्राचार्य थे, जो शुक्र ग्रह के देवता हैं, जो शुक्राचार्य थे उनको कहते हैं कि उनमें संजीवनी विद्या थी, यानी कि मरों को जीवित कर सकने की विद्या थी, वो सिर्फ वही जानते थे। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि जातक किस लेवल के विद्वान बुद्धिमान हो सकते हैं। क्योंकि दूसरी बात क्या है कि ब्राह्मण को बताया गया ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा क्या, संसार की ज्ञान रखने वाला, ठीक है, सत्य को और असत्य को अलग करने वाला, हर चीज़ की पहचान रखने वाला, वो ब्राह्मण होता है यानी कि विद्वान, तो विद्वान से जोड़ा गया है। तो ऐसे जातक काफ़ी विद्वान होते हैं। इसका जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है। और जो गणपति, इस नक्षत्र से कौन सा गणपति जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया उर्द्वगम वाला गणपति, यानी कि ऊपर जाने वाले, तरक्की करने वाला, ठीक है जी, शुरुआत मतलब बढ़ने वाला, तो वो गणपति जोड़ा गया है। अब बात करते हैं इसके तत्व की। तत्व है इसका जल तत्व। जल तत्व का मतलब क्या होता है, यानी कि मन, और दूसरा कल्पना करना, इमोशनल होना। इमोशनल मतलब क्या होता है, जो दूसरे के दुख को सुन के दुखी हो जाए, दूसरे को सुख को सुन के सुखी हो जाए, दूसरों की चिंता करे, उनसे प्रेम करे, हमेशा इंसान मतलब फीलिंग्स की कदर करने वाला हो। और दूसरी बात है कि ये जो नक्षत्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है, भोग से भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसा इंसान किसी से प्रेम तभी करेगा जब किसी की भावनाओं को समझेगा। तो आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा है कि जो वृक्ष है इससे कौन सा वृक्ष जोड़ा गया है, इससे जोड़ा गया पलाश वृक्ष, ये जंगलों में मिलता है। कहते हैं कि जो इसके पुष्प होते हैं वो आदमी के गुप्त रोगों में बड़े काम आते हैं, जैसे सेक्स पावर होगी, प्रजनन करने की शक्ति होगी। दूसरा क्या है, जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो, अगर उसको उसके जो पौधों का, जो फूलों का घूट के रस पिला दिया जाए तो इससे संतान वीर्यवान और हर्ष पुष्ट होती है, यानी कि इंसान के फिजिकली कामों से जुड़ा हुआ वृक्ष है, भोग से जुड़ा हुआ वृक्ष है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि इन जातकों में कौन से गुण होंगे। दूसरा पक्षी, इसमें इससे जो पक्षी जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है बाज। अब देखिए बाज, कहते हैं कि बाज की देखने की क्षमता बहुत दूर तक देख सकता है, 8-9 किलोमीटर से वो अपने शिकार को देख सकता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं ऐसे जातक अपने लक्ष्य पे हमेशा निरंतर ध्यान रखते हैं, उसे पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दूसरा क्या है, काफ़ी दूरदर्शी होते हैं, काफ़ी दूरदर्शी चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं, इससे भी अनुमान लगा सकते हैं आप। दूसरा ये भी पक्षियों में राजा है, तो ऐसे जातक भी राजाओं की तरह ज़िंदगी जीते हैं। दूसरा है कि इन जातों की उम्र काफ़ी लंबी होती है, और जो ये पक्षी होता है इसकी जो उम्र बताई गई है वो 70 साल बताई गई है। कहते हैं कि 40वें साल में इसकी चोंच काफ़ी बड़ी हो जाती है, और पंजे के नाखून बढ़ जाते हैं, और जो पंख होते हैं काफ़ी भारी हो जाते हैं। तो इस पे दो रास्ते होते हैं, या तो मर जाए या फिर दर्द को चुने, यानी कि अपनी चोंच तोड़ दे, अपने नाखून तोड़ दे और अपने पंख तोड़ दे, और उस तब तक उसका इंतज़ार करे जब तक उग ना जाए और शानदार ज़िंदगी जिए। तो ऐसे ही जातक होते हैं कि कभी भी अपने असूलों से, अपनी लाइफ स्टाइल से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जो अपने स्वाभिमान हो गया, इनका स्वाभिमान हो गया, इनकी लाइफ स्टाइल होगी, इनके शौक हो गए, ये उनको पूरा करते हैं, उनसे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर ईमानदारी की ज़िंदगी जीते हैं और कभी बीमारी नहीं करते, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, ये दुख में हों, सुख में हों, टेंशन हो, अपने असूल कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये गुण भी आप इनको इस पक्षी से अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा है, इससे जो जानवर जोड़ा गया है वो जोड़ी गई है मादा चूहा। अब जो चूही होती है वो एक साथ कई बच्चों को जन्म देती है, तो इससे भी अनुमान आ सकते हैं प्रजनन करने की क्षमता इन जातकों में काफ़ी ज़्यादा होती है, ये भोग विलासी भी होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि चूहों में क्वालिटी होती है, क्वालिटी क्या होती है कि ये सब चूहों के साथ रहते हैं, मिल के रहते हैं, तो इससे भी अनुमान आ सकते हैं कि ये जातक हर सब लोगों को साथ लेके चलते हैं।
और जो इसका रंग है वो है लाल और हल्का ब्राउन। तो लाल रंग से क्या होता है, कहते हैं कि जितने भी मांगलिक काम होते हैं वो सब लाल रंग से, जो लाल रंग से जुड़े होते हैं। जैसे जब कभी किसी स्त्री का विवाह होता है, जो उसका जोड़ा होता है वो लाल रंग का होता है, और लाल रंग हमेशा उत्साह का प्रतीक है। तो ये लोग काफ़ी रोमांटिक होंगे और दूसरा काफ़ी उत्साहित होंगे, जोशीले व्यक्ति होते हैं, तो इससे भी आप इनका अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा है, जो इससे त्रिमूर्ति जोड़ी गई है वो जोड़ी गई विष्णु जी की, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वह है विष्णु जी जोड़े गए हैं। तो विष्णु क्या है, विश्व के पालन करने वाले, और दूसरे क्या होते हैं आपके, हमेशा लक्ष्मी जी को साथ रखते हैं, यानी कि हमेशा अपनी अर्धांग यानी कि स्त्रियों के बारे में सोचने वाले, उनकी चिंता करने वाले, संसार को देखने वाले, उनको चलाने वाले। तो आप इस सीधी कर्मा ला सकते हैं, विष्णु जी काफ़ी इमोशनल हृदय के हैं। कहते हैं कि विष्णु जी को सिर्फ याद करने से ही मात्र से वो अपने भक्तों के पास आ जाते हैं। इसी टाइप के लोग होते हैं, ये हर आदमी की चिंता मदद करने वाले होते हैं, कोई इनसे मदद मांगे ना मांगे ये उनकी मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं, पालन पोषण करने वाले होते हैं। तो आप इससे देवता से ये अनुमान भी लगा सकते हैं। जो इसका बीज मंत्र है वह है ओम चम। चम मतलब क्या है, चरखे वाला चम। अगर 108 का जाप आप रोज करें तो इससे आपका जो सुख है और भी बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा। और जो इसका आयुर्वेदिक दोष है वह है कफ, सॉरी पित्त, जिसका आयुर्वेदिक दोष है वो पित्त है। और जो नक्षत्र की शक्ति है वो बताई गई है काम। अब काम का है भोग विलास, यानी कि ये संसार की हर एक चीज़ को भोगना चाहते हैं और भोगते भी हैं। दूसरा भोग का मतलब क्या होता है, जैसे संभोग, ये प्रगति के साथ संबंध बना के चलते हैं, संसार के हर एक चीज़ के साथ संबंध संबंध बना के चलते हैं। कि काम का मतलब हो गया संभोग, संभोग मतलब क्या, जुड़ना, एक साथ हो जाना। तो ये स्त्री हुई, पुरुष हुआ, समाज हुआ, दुनिया हुई, प्रगति हुई, ये सबसे संबंध जोड़ लेते हैं और इनको अपने साथ लेके चलते हैं। दूसरा क्या होता है, क्रिया करने वाले। तो ये क्रिया करके, यानी कि मकान बनाएंगे, फिर दूसरा मकान बनाएंगे, अपने लिए बेटर ज़िंदगी बनाने सोचते हैं, ठीक है, हर लाइफ में स्टैंडर्ड लाना चाहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और उसमें भी इंजॉय करते हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़ें सबके पास हैं, ये नहीं कि चीज़ें किसी के पास नहीं, चीज़ें सबके पास हैं, लेकिन ये लोग उन चीज़ों को भोगते हैं। कपड़े सबके पास है, लेकिन ये कपड़ों को भी बड़े चाव से पहनते हैं, उसका भी सुख लेते हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्व फाल्गुन नक्षत्र का काल पुरुष के शरीर में कहाँ स्थान है। जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, इसका काल पुरुष के शरीर में आपका दाहिना हाथ है। दूसरा, पूर्व फाल्गुनी के जातकों का रूप आकार कैसा होता है। पहली बात है, इनको पसीना बहुत आता है। दूसरा, इनकी जो पर्सनालिटी होती है ये काफ़ी हट्टे कट्टे होते हैं, मतलब अच्छी पर्सनालिटी होती है इनकी, जो आकर्षण पैदा करती है। तीसरा, इनका गोल चेहरा होता है और नाक थोड़ी चपटी होगी और त्वचा बड़ी चमकीली होती है। कहने का मतलब है कि लोग इनसे फिर भी खिंच जाएंगे। इनके पास अदाएँ होती है जो लोगों से अलग होती है। और अब बात करते हैं इनका चरित्र, इनका करेक्टर कैसा होता है, इनका स्वभाव कैसा होता है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, ये आज़ादी, ये फ्रीडम पसंद करते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं करते, ज़िंदगी को आज़ादी तरह जीते हैं। ये हमेशा वो जीविका यानी वो काम ढूंढेंगे जो किसी के अंडर में काम ना करना पड़े, क्योंकि किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते, दबाव में तो काम ये कर ही नहीं सकते। दूसरा, इनको ईश्वर ने कुछ ऐसा गुण दिया होता है, कोई एक ऐसा गुण होता है इनके पास, जिससे समाज में बड़े विख्यात होते हैं, बड़े मशहूर और फेमस होते हैं। और दूसरा, इनको पूर्वाभास करना, यानी कि किसी भी व्यक्ति को देख के उसके बारे में ये अनुमान लगा लेते हैं कि क्या सोच रहा होगा, उसको क्या चाहिए, इसी कारण ये अच्छा फ्लर्ट कर पाते हैं। ये दूसरे को मन में क्या चल रहा है, उसको क्या किस चीज़ से खुश होगा, तो उसका अनुमान लगा के तो उसको अपनी तरफ ये खींच लेते हैं। तो ये गुण भी इनको दिया गया है। दूसरा, कोई मुसीबत में हो, परेशानी में हो, कोई इनसे मदद मांगे या ना मांगे, पर उनकी मदद करने के लिए दौड़ जाते हैं, इसलिए हर किसी की मदद करते हैं, समाज सेवी होते हैं। समाज में जितने भी सोशल वर्क के कार्य होंगे उसमें ये हिस्सा लेंगे या खुद करेंगे, ये हर एक सोशल वर्क से जुड़े होते हैं। ये समाज की और दुनिया की बड़ी चिंता करते हैं। ये कुछ खाने को भी लाएंगे तो बांट के खाएंगे,
ये इनकी क्वालिटी होती है। और दूसरों को दुख को, दुख को देखना अलग होता है, दुख को समझना अलग होता है। ये लोगों के दुख को समझते हैं, तो ये इनकी विशेष क्वालिटी होती है। दूसरी, इनकी जो वाणी होती है, जो बात करने का तरीका होता है, बड़ा ही प्यारा होता है, बहुत ही निराला और अलग अंदाज होता है इनका। ये कैसे भी स्थिति में हो, कैसे भी हो, पर वाणी बड़ी मधुर होगी, बड़े ही प्यार से बात करेंगे, जिससे लोग इन तरफ खिंच चले आते हैं। तीसरा, इनको घूमने फिरने का बड़ा शौक होगा। ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं और यात्राओं से इनको काफ़ी आनंद और सुख भी प्राप्त होता है। दूसरी बात, ये कभी भी गुलामी नहीं कर सकते। कभी इनके जो सीनियर हों या बड़े लोग हों, ये कभी उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। जो सही है वही कहेंगे, कभी चापलूसी गिरी नहीं करते। इस कारण इनके जो बॉस लोग होंगे या सीनियर लोग होंगे, इनसे हमेशा नाराज रहते हैं और किसी न किसी लफड़ों में इनको या उलझा के रखते हैं, जिस कारण इनकी पदोन्नति थोड़ी रुकावटों से होती है। तो यह भी इनमें देखा गया है। तीसरा, आपका जो इनके काम करने की इच्छा होती है, बहुत ही बड़े बड़े काम करने चाहते हैं। इनके इरादे बहुत काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ये करते भी हैं। हाँ, एक बात कहना आपको चाहता हूँ, इनका जो भाग्य उदय होता है, यानी जो इनका असली तो बचपन से ये पीक अच्छी लाइफ जीते हैं, बड़े खुशहाल होते हैं, लेकिन जो इनका पीक टाइम आता है वो 40 साल के बाद आता है। तीसरा, ये कभी, ये काफ़ी ईमानदार होते हैं, काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, ये कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो। ये हमेशा ईमानदार वाला काम करते हैं, ईमानदार लोगों के साथ रहते हैं, और किसी साथ गलत होता है तो उसके विरोध में खड़े भी हो जाते हैं। तो ये भी इनकी क्वालिटी होती है। दूसरी, ये सुंदरता के बड़े होते हैं। जैसे मान लो कि कोई अच्छी जगह, अच्छे पेड़ पौधे हैं या अच्छी प्रगति है, तो उनको देखना, उनके बारे में सोचना, वहाँ जाना वहाँ रहना, इनको बड़ा भाता है। ये भी इनकी क्वालिटी होती है। दूसरा, क्या बोलते हैं, कपड़े पहनने का बड़ा शौक होता है। कपड़े भी बड़ी तरीके सलीके से पहनेंगे। इनका स्टाइल होता है कि लोगों से हट के पहना जाए, हट के ये लगें, ताकि लोग इनकी तारीफ़ करें, और तारीफ़ सुनने का बड़े शौक होता है। अगर कोई इनकी तारीफ़ ना करें इनके कपड़ों की, इनके रूपों की या बालों की, तो थोड़ा ही खफास हो जाते हैं, और अगर कोई इनकी तारीफ़ करें तो बड़े ही खुश हो जाते हैं। और इनको परफ्यूम लगाने की बड़ा शौक होता है, खुशबू शौक होता है। स्त्रियाँ, सुंदर लोग, सुंदर स्त्रियाँ हैं, बगीचे, यानी इनका जो कमरा होगा भी बड़ा तरीके से सलीके से होगा। यानी कि हम कह सकते हैं सुंदर चीज़ को पसंद करते हैं, अच्छी चीज़ यानी कि खाना ज़्यादा ना हो, कम हो, लेकिन तरीके से हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, सुंदरता, अच्छी चीज़ कोई पसंद करते हैं और पैदा भी करते हैं, ये इनकी क्वालिटियाँ होती हैं। दूसरा, थोड़ा ये आडम्बरे भी होते हैं। ये लोगों के सामने इस तरह पेश आएंगे कि जैसे सब कुछ जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। कुछ थोड़ी कमी भी होती है, जिस कारण इनको लोग थोड़ा अहंकारी भी कह लेते हैं। तीसरा है कि इनको किसी ने हर्ट किया या कुछ बोला, तो तुरंत अगर बात दिल पे ले ली तो ये बदला लेने में पीछे नहीं हटते, तो कभी कभी थोड़े गुस्सेले भी वाले हो जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी बड़ी आराम से जीते हैं, किसी को तंग नहीं करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, और कोई इनकी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करे ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये अपनी लाइफ को तरीके से जीना चाहते हैं और जीते भी हैं। या ईश्वर की बनाई गई तमाम चीज़ों का ये दिल से भोग करते हैं, ठीक है, और भोग करना भी चाहिए। कहते हैं कि आनंद दो चीज़ में, या तो योग में या तो भोग में। भोग मतलब ये नहीं स्त्री के साथ ही, भोग खाने का, ये खाते हैं तो उस फल को भी महसूस करेंगे, खाना खाएंगे तो उसको भी महसूस करेंगे, और फलों को कुछ भी तो बेहतर चीज़ ढूंढ के लाते हैं। ये मतलब लाइफ को स्टैंडर्ड की तरह जीते हैं, तो ये इनका शौक होता है। और अब बात करते हैं इनके पारिवारिक जीवन की। जो इनका पारिवारिक जीवन होता है बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि जिसकी शक्ति और प्रजनन शक्ति है, तो पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा इनका, कि इनके जो बेबी होंगे, बच्चे होंगे, इनकी सुनने वाले होते हैं, इसलिए इनका पारिवारिक जीवन ठीक ठाक ही चलता है। अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हाँ, और जो इस नक्षत्र से जुड़े हुए व्यवसाय और कैरियर हैं, और कौन से फील्ड में ये लोग आगे बढ़ते हैं या करना, इनको कौन सा काम करना चाहिए, मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।